हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं संगीता शर्मा सेवेंथ क्लास के स्टूडेंट्स को संस्कृत पढ़ाऊंगी। आज हम संस्कृत में एक मंगल वाचन करेंगे। सबसे पहले हम माँ सरस्वती की एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आओ सभी, जॉइंट्स योर हैंड्स। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामिरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। मैं विद्या का प्रारंभ कर रहा हूँ, मेरे इस कार्य में मुझे सफलता प्राप्त हो। इसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक में एक मंगलाचरण है, इसका हम गान करेंगे और अनुवाद करेंगे। यथाधौश्च पृथिवी चैन विभीतो नरिष्यत एवा मे प्राण मा बिभे। यथा अहश्च रात्रि च ना बिभीतो नरिष्यत एवा मे प्राण मा बिभे। यथा सूर्यश्च चंद्रश्च ना बिभीतो नरिष्यत एवा मे प्राण मा बिभे। यथा सत्यं चानर्तं च ना बिभीतो नरिष्यत एवा मे प्राण मा बिभे। देखिए, इस मंगलाचरण में जो पहला मंगलाचरण है, यथा, यथा माने जिस प्रकार, ध माने आकाश, च माने और, पृथ्वी माने पृथ्वी, च और, न माने नहीं, विभीतो माने डरते हैं, न न माने नहीं, रिष्यत यानी रुष्ट होते हैं या दुख देते हैं, एवा उसी प्रकार, मे माने मेरे, प्राण माने प्राण, माँ माने मत, बिभे माने डर। हम इस तरह की प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आकाश और पृथ्वी दोनों ना तो डरते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, ना किसी पर क्रोध करते हैं, उसी प्रकार मेरे प्राण भी ना डरें और ना किसी को कष्ट दें। यथा अहश्च, यथा माने जैसे, अह माने दिन, च माने और, रात्रि माने रात्रि, ना माने नहीं, विभीतो माने डरते हैं, न रिष्यते और ना ही दुख देते हैं, एवा मे प्राण मा बिभे, उसी प्रकार से हे मेरे प्राण तू भी मत डर। यथा सूर्यश्च चंद्रश्च ना बिभीतो न रिष्यत, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा नहीं डरते हैं और ना ही किसी को कष्ट देते हैं, रुष्ट होते हैं,
उसी प्रकार मेरे प्राण तू भी मत डर। यथा सत्यम च अनृतम, अनृतम माने झूठ, जिस प्रकार से सत्य और असत्य ना डरते हैं और ना रुष्ट होते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। हम इस तरह की प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आकाश, पृथ्वी, दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, सत्य, असत्य ना तो किसी पर रुष्ट होते हैं, ना किसी को कष्ट देते हैं और ना ही डरते हैं, इसी तरह से हे मेरे प्राण तू सभी प्रकार के कष्टों और बुराइयों को सहते हुए और उनका सामना करते हुए ना तो डर और ना ही किसी को कष्ट दे। इस प्रकार बच्चों हमने इस मंगलाचरण को पढ़ा और इसका अनुवाद भी किया। आप भी इसका अनुवाद करें, इस संस्कृत को पढ़ने का प्रयास करें। कल हम फिर अगली कक्षा में प्रथम पाठ के शब्दार्थ का ज्ञान प्राप्त करेंगे, शब्दार्थ और उनके हिंदी अर्थों को देखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।